को फाड़ने का अधिकार है, दूसरे को गाली देते हैं, महिला को गाली देते हैं, महिला भाई ये बात कर रहे हैं, उसको कोरोना वायरस के चलते सरकार की ओर से प्रशासन को जनता की हर संभव मदद करने के निर्देश और आदेश दोनों दिए गए हैं, लेकिन कुछ अधिकारी इसके उलट मुसीबत के इस समय में भी अपने रोब को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा बाराबंकी में उस समय देखने को मिला जब एक बुजुर्ग महिला बैंक में पैसे निकलवाने गई तो बैंक मैनेजर ने महिला से अभद्रता करते हुए उसकी पासबुक भी फाड़कर फेंक दी। महिला के बताए जाने पर जब मीडिया कर्मचारी बैंक मैनेजर का पक्ष जानने के लिए गए तो मैनेजर ने उनके साथ भी अभद्रता की। नया पासबुक को दे दिया गया बना करके, नया गलत फहमी में ऐसा हुआ है। महिला कह रहे हैं कि पासबुक फाड़ी गई, गाली दी गई। नहीं नहीं, गाली यहाँ पे क्यों दे देगा? गाली दिया जाएगा कोई सी को भी बैंक में, यहाँ पे होता है कि कोई गाली देगा? आप सुनिए, मैंने आपको दिखाया, मैंने बोला कि मैं बदतमीजी की, कहा कि आप यहाँ से निकलिए, चलिए हटिए, भागिए यहाँ से। आप जैसे प्रेस वाले मेरे पास बहुत आप गलत समझिए, मत बताइए। अरे हमने सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए, चीजों को रिजॉल्व करिए। सीसीटीवी कैमरा आपके यहाँ में, ये व्यक्ति भी आया था, चीजों को रिजॉल्व करिए। ये भी मेरे साथ आया, पत्रकारिता मत दिखाइए, चीजों को रिजॉल्व करिए। आपको फाड़ने का अधिकार है, दूसरे को गाली देते, महिला को गाली देते, महिला गाली दिया गया, कह रही महिला भाई ये बात कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं देखा आपने पब्लिक डीलिंग के काम पर बैठे ये बैंक मैनेजर कैसे पत्रकारों पर भड़क रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये बैंक में आने वाले दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। इसके लिए पहले आपको महिला की आप बीती सुनाते हैं। और गाड़ी नहीं, और कहीं किचन तक माधव चंद भर जा रही से मनीजर वही बैंक ऑफ इंडिया के जहाँ पैसा निकलवा आई रहा। महिला की आप बीती आपने सुनी। चलिए अब बैंक मैनेजर का इस पर क्या कुछ कहना है एक बार वो भी सुन लीजिए। महिला ने गलत पासबुक गलत नंबर दिया था, जो खाता बंद था वो गलत फहमी में। सुना आपने कैसे बैंक मैनेजर अपनी गलती मानने की बजाय महिला और वहां मौजूद मीडिया कर्मचारियों पर ही रोब झाड़ने का काम कर रहा है। खैर, महिला ने इस मामले को लेकर टिकैत नगर कोतवाली में लिखित शिकायत दी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस योगी राज में एक बुजुर्ग महिला के साथ हुए अन्याय क्या उसे इंसाफ दिला पाती है, जिससे इस प्रकार से लोगों के साथ अभद्रता करने वाले अधिकारियों को सबक मिल सके। भारत 9 के लिए बाराबंकी से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट।